हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस बात पर चर्चा करने के लिए कि सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सार्वजनिक व्यय का अर्थ होता है सरकार द्वारा किया गया वह सारा खर्च जो सरकार का विभाग बजट के अनुसार बराबर करते रहती है। आउटले बजट जो निकलता है उसमें लिखा रहता है आउटले। आउटले का अर्थ हुआ कि आने वाला 12 महीने में क्या सरकार खर्च करेगी, उसको क्या कहा जाता है आउटले। और एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, जो सचमुच खर्च हो गया है। एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या हुआ, जो सचमुच खर्च हो गया है सरकार द्वारा, जो सचमुच खर्च हो गया है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। सरकार जो आने वाले मंथ में, आने वाले महीने में जो खर्च करता है उसको आउटले कहते हैं, पब्लिक आउटले। तो आपसे इंटरव्यू में अगर पूछ दिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक आउटले, तो क्या उत्तर होगा कि पब्लिक आउटले बजट का आंकड़ा होता है जो आने वाले 12 महीने के लिए बनाया जाता है, और जैसे जैसे वो खर्च होता चला जाता है तो पब्लिक आउटले बदल कर क्या हो जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर अर्थात सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत वो सारे खर्च आते हैं जो सरकार द्वारा किए जाते हैं। इस संदर्भ में वैगनर महोदय ने वैगनर्स लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दिया है। वैगनर्स लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है, वैगनर्स लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि सार्वजनिक व्यय में लगातार बढ़ते हुए दर से खर्च हो रही है। अगर सार्वजनिक व्यय में लगातार बढ़ते हुए दर से खर्च हो रही है तो उसको कहा जाता है वैगनर्स लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। वैगनर ने विभिन्न देशों के आंकड़ों के आधार पर ये नियम स्थापित किया, विशेष करके पूरे देश में प्रथम विश्व युद्ध होने के समय बहुत से देशों में खर्च की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन वैगनर्स थ्योरी में दो बात महत्वपूर्ण है। नंबर वन कि वैगनर महोदय कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय में लगातार बढ़ते हुए दर से खर्च में वृद्धि होगी। तो वैगनर्स लॉ में क्या आ गया, लगातार और बढ़ते हुए दर से, लगातार और बढ़ते हुए दर से जो खर्च आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, वैगनर्स लॉ। वैगनर्स लॉ का पहली विशेषता क्या है कि सरकार के खर्चों में लगातार वृद्धि होती है। नंबर वन, सरकार के खर्चों में लगातार वृद्धि होती है। नंबर टू, सरकार के खर्च में बढ़ते हुए दर से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। सरकार के खर्च में बढ़ते हुए दर से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। पहला क्या हो गया, सरकार के खर्च में लगातार वृद्धि होती है, कंटिन्यूअस, देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और दूसरा क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एट इंक्रीजिंग रेट। तो वैगनर महोदय के लॉ में ये कहा गया कि सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि होती है और सार्वजनिक व्यय में बढ़ते हुए दर से वृद्धि होती है। वैगनर महोदय का कहना है कि देश में सार्वजनिक व्यय में इंटेंसिव तथा एक्सटेंसिव दो कारणों से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। इंटेंसिव का मतलब हो गया कि जो खर्च पहले से हो रहा था उस खर्चे में वृद्धि हो गई। जैसे स्कूल में 4 कमरे बने हुए थे, अब जो है सरकार कही कि 4 कमरा और बनाओ। जेल में 10 रूम था, अब कही कि 10 रूम और बनाओ। इस तरह का पहले से किया जाने वाला जो खर्च है
उसमें विस्तार कर दिया गया तो उसको कहा जाएगा गहन कारण, इंटेंसिव कारण, इंटेंसिव कॉज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और दूसरा कारण ये बतलाते हैं एक्सटेंसिव कॉज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय में विस्तार के कारण, विस्तृत 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 कारण। विस्तृत कारण का मतलब होता है, एक्सटेंसिव कॉज का मतलब होता है कि सरकार अचानक जो है ऑटोमेशन में विश्वास करने लगी, तो जितना पहले हाथ से काम होता था वो मशीन से होने लगेगा। सरकार कंप्यूटराइजेशन में विश्वास करने लगी, कानून बना दी कि कंप्यूटर लगेगा बैंक में, कंप्यूटर लगेगा ऑफिस में, कंप्यूटर लगेगा स्कूल में, सारे जगहों पर एक नए तरह का खर्चा आ गया। और कंप्यूटर का लगाना, कंप्यूटर को मेंटेन करना, उसका सर्वर बनाना, उसको मेंटेन करना, ये सारा एक अलग काम है। इस तरह के नए काम का जब आरंभ होता है तो उसको एक्सटेंसिव कॉज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो वैगनर महोदय का कहना है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण इंटेंसिव भी है और एक्सटेंसिव भी है। अगर इन कारणों को हम क्रमबद्ध रखते हैं तो पहला कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संसार के विभिन्न देशों में पहले पुलिस राज्य था। पुलिस राज्य का क्या मतलब है? पुलिस राज्य का मतलब है कि सरकार देश में शांति व्यवस्था, आंतरिक शांति व्यवस्था को बरकरार रखे और साथ ही साथ विदेशी आक्रमण हो तो देश को बचाए। लेकिन अब वो केवल वही बात नहीं है, अब है वृद्धावस्था पेंशन देती है, बच्चे को स्कूल में फ्री खाना देती है, बच्चे को स्कूल में फ्री पढ़ाना देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, सब्सिडी किसानों को सब्सिडी देती, स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज रेट पर, ब्याज दर पर पढ़ने के लिए ऋण देती है। तो सरकार का दृष्टिकोण कल्याणकारी राज्य का हो गया है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि सभी लोगों के उपयोगिता में वृद्धि करना, सभी लोगों के सुख में वृद्धि करना, सुख समृद्धि शांति को बहाल करना, किसी तरह का कोई विभेद नहीं करना, गरीबी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रत्यक्ष प्रयत्न करना। भारतवर्ष में आप देख रहे हैं बराबर से गरीबी दूर करने की बात की जा रही है। गरीबी दूर होने का चीज नहीं कि तुरंत दूर हो जाएगा। टीवी दूर हो गया, पहले होता था कि टीवी आपको हो गया तो आपको रूम के बाहर निकाल दिया गया, ये सोचिए कि अब तो ये मर जाएगा और घर में रहेगा तो दूसरे को भी टीवी पकड़ लेगा। अब देखिएगा कि टीवी अगर हो गया है तो घर में भीतर रह रहा है और इलाज करा रहा है और ठीक हो जा रहा है, ला इलाज से इलाज वाला हो गया। पहले हुआ चेचक हुआ मर गया, कॉलरा हुआ मर गया, अब वो नहीं है, अब नियंत्रण हो गया उसके ऊपर, कॉलरा हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसका इंजेक्शन बचपन में ही लगा देता है, चेचक होगा ही नहीं उसका इंजेक्शन बचपन में लगा देता है। बहुत तरह का बीमारी जो है बचपन में ही बच्चे को, पोलियो का बीमारी, ये बीमारी, ये सबसे बचने का टीकाकरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य, कि आने वाला जो हमारा पॉपुलेशन हो वो स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, ये सारी चीज़ों का सोच अब किसका हो गया है? सरकार का हो गया। इस तरह के सरकार को कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो पहला कारण है जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है उसका कारण है पुलिस राज्य के जगह पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना होना। दूसरा कारण है सुरक्षा व्यय में भारी वृद्धि होना। पहले जो युद्ध होता था वो तीर धनुष से होता था, तलवार से होता था, अब जो युद्ध हो गया स्टार वार हो गया, मिसाइल वार हो गया, दोनों के खर्च में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। तो सुरक्षा व्यय में भारी वृद्धि होने से सरकारी व्यय में वृद्धि हो गई। तीसरा है सिविल एक्सपेंडिचर, सिविल एक्सपेंडिचर वृद्धि होना। सिविल एक्सपेंडिचर को कहा जाता है असैनिक व्यय। सिविल एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? असैनिक व्यय। सिविल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है पुलिस पर व्यय,
प्रशासन पर व्यय, न्यायालय पर व्यय, जेल पर व्यय, तो ये सब व्यय जो है वो सिविल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। और उसके बाद तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर वन पर आता है सोशल, नंबर वन पर आता है इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, क्या बोला जाता है उसको इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, और दूसरे को बोला जाता है सोशल ओवरहेड कैपिटल। इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल का मतलब हुआ बिजली, बिजली, सड़क, रेल, सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, सिंचाई, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, इन सभी को क्या कहेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना। और सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है शिक्षा में वृद्धि करना, शिक्षा में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि करना, मनोरंजन की सेवा में वृद्धि करना, इंटरनेट सेवा में वृद्धि करना, सफाई के में वृद्धि करना, सीवरेज को लागू करना, ये सारा चीज जो है स्मार्ट टाउन बनाना, उसमें सारी सुख सुविधा को लगाना, ये सब क्या हो गया सोशल ओवर कैपिटल हो गया। तो जब सरकार हमारी बनती है तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करती है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करती है, और इस कारण से अर्थव्यवस्था में इनसे खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयकरण। सरकार जो है राष्ट्रीयकरण करती है, राष्ट्रीयकरण करने पर उसको क्षतिपूर्ति करना पड़ता है किसको, निजी कंपनी को, जिसके जिसके चीज़ को राष्ट्रीयकृत करती है। जैसे बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सारे प्राइवेट बैंक सरकारी हो गए, है ना। जैसे प्राइवेट जंगल था तो उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया, सब सरकारी हो गया। तो प्राइवेट चीज़ों को जब राष्ट्रीयकृत कीजिएगा तो क्षतिपूर्ति के लिए कंपनसेशन देना पड़ता है, और राष्ट्रीयकरण करने से सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है, देखभाल सरकार को करना। आज देखिए बैंक में पैसे की कमी हो जाती है, पूंजी की कमी हो जाती है, तो री इन्वेस्टमेंट सरकार करती है, भारी मात्रा में सरकार पूंजी देती है किसको, बैंक को, ताकि बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऊपर उठे। CAR का मतलब क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बैंक का CAR जो है अगर घट रहा है तो सरकार भरपाई करती है। तो इस तरीके से सार्वजनिक व्यय में राष्ट्रीयकरण के कारण वृद्धि होती है। उसके बाद है IMF, IBRD, WTO, UNO, ये सब का सदस्य बनता है। तो देश जो है हम सभी जानते हैं कि अभी संसार में 192 देश है, जिसमें 189 देश IMF का मेंबर है, 189 IMF का मेंबर है, 189 IBRD का मेंबर है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, जबकि कंट्री है 192। अभी कुछ है जो मेंबर नहीं बन पाया। UNO में मेंबर कितना है, 192 है मेंबर, देखिएगा कितना है, ये चेक कीजिए। तो UNO में सदस्य कितना है, WTO में सदस्य कितना है, WTO में देखिए तो 164 है, कितना है WTO में सदस्य कितना है, 164 है, चेक कीजिए मोबाइल में। तो ये सब जो सदस्य आप जैसे ही बनते हैं तो सदस्य बनने के बाद उसमें WTO में सदस्य की संख्या लिख लो 164 है, WTO में सदस्य की संख्या कितनी है 164, IMF में सदस्य कितना है 189, वर्ल्ड बैंक में सदस्य कितना है 189, UNO में सदस्य संख्या कितना है, UNO में चेक कीजिए, 192 में सदस्य संख्या कितना है, 193, 193 UNO में सदस्य संख्या 193,
तो विश्व में कंट्री की संख्या कितनी हो गई, 193। जो कंट्री है वो यूएनओ का मेंबर होगा तब एक कंट्री माना जाएगा, नहीं तो यहाँ तो कहेगा कि हम कंट्री हैं। जो आतंकवादी सब रहता है तो कहता है हमारा ये कंट्री है, करते करते मनमाइए लेता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरकारी व्यय में जो वृद्धि हो रही है उसका अंतिम कारण है पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण, 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 पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पर्यावरण प्रदूषण कहाँ से हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, ये सब से हानि होता है। इस पर कानून बनाया गया है, सरकार इस पर खर्च कर रही है, तो इन्हीं कारणों से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। अब आइए सार्वजनिक व्यय के का प्रभाव, सार्वजनिक व्यय का प्रभाव, तो सार्वजनिक व्यय का प्रभाव जो है वो हम लोग कहते हैं उसको इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। लिखिए, सार्वजनिक व्यय का प्रभाव उत्पादन पर, वितरण पर, रोजगार पर, रोजगार पर तथा गरीबी पर, रोजगार एवं गरीबी एक साथ रखिए, रोजगार एवं गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। देयर इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी निवारण, बेरोजगारी निवारण। अब यहाँ सबसे पहला प्रश्न उठता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन। इफेक्ट तो पड़ेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का, प्रभाव पड़ेगा उत्पादन पर, लेकिन उत्पादन कहते किसको है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के और उपभोग के बड़ा महत्वपूर्ण है। मार्शल कहते हैं कि कंजम्पशन इज क्रिएशन, कंजम्पशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्या मार्शल ने कहा है? प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और कंजम्पशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता में हम सृजन करते हैं तो उसको उत्पादन कहा जाता है। हम कोई भी नया चीज नहीं बनाते हैं, जो टेबल बना हुआ है वो लकड़ी काट के बनता है, जो पक्का का मकान बना हुआ है तो प्राकृतिक पत्थर को काट के गिट्टी बनाता है, और प्राकृतिक लौह धातु को, लौह मिट्टी को काट करके लौह धातु जो रहता है उसका, उसे आयरन ओर से क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, और उसको मिला करके सीमेंट भी उसी पत्थर से होता है। तो सारा चीज़ हमारे पास जो है प्रकृति का,
लेकिन उसके रूप को हम लोग बदल देते हैं, उसके जगह को बदल देते हैं। तो रूप बदलना, जगह बदलना, उसके स्वामी को बदलना, ये सब क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कहा जाता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, प्रोप्राइटर यूटिलिटी, ये सारा यूटिलिटी को वृद्धि करने का तरीका इसको उत्पादन कहते हैं। डाल्टन का कहना है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको जानने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है। नंबर वन, विलिंगनेस टू सेव एंड इन्वेस्ट, बचत एवं विनियोग करने की इच्छा। उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो किस रास्ते पड़ेगा? तो नंबर वन, बचत एवं विनियोग करने की इच्छा, बचत एवं विनियोग करने की इच्छा, काम करने की इच्छा। नंबर वन पर कर दीजिए काम करने की इच्छा, विलिंगनेस टू वर्क नंबर वन कर दीजिए उसको। डाल्टन महोदय के अनुसार काम करने की इच्छा, बचत एवं विनियोग करने की इच्छा, बचत एवं विनियोग करने की योग्यता। इन तीनों पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से हम पाते हैं कि जैसे ही सार्वजनिक व्यय सरकार करती है, नेशनल हाईवे बनाती है, रोड बनाती है, मेट्रो ट्रेन बनाती है, स्कूल तैयार करती है, तो इसमें लोगों में काम करने की इच्छा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाइएगा, वहां काम करके लौट आइएगा। मुंबई में देखिएगा लोग एक एक घंटा में कहां से कहां चला जाता है और वहां से काम करके लौट आता है। तो काम करने की इच्छा पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। सरकारी व्यय होने से उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादन करने की इच्छा में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है बचत एवं विनियोग करने की इच्छा। सार्वजनिक व्यय किया जाता है और आपके घर के सामने से नेशनल हाईवे बन गया, तो आप अपनी जमीन पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट, एक ढाबा खोल सकते हैं और उसमें आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि रोड आ गया, उसी के बगल में खेत है, उस खेत में हाउसिंग कॉलोनी वाला मकान बना के बेच सकता है। एक नेशनल हाईवे के बनने से सारे अगल बगल के जमीन जो है उसमें उसका वैल्यूएशन क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। लोग अपनी पूंजी को खर्च करके वहाँ पर मकान बना देते हैं, लॉज बन जाता है, हॉस्टल बन जाता है, पेट्रोल पंप खुल जाता है। तो ये बचत और विनियोग करने की इच्छा प्रभाव पड़ा। और एबिलिटी टू सेव एंड इन्वेस्ट, एक तो हुआ विलिंगनेस टू सेव एंड इन्वेस्ट और दूसरा एबिलिटी टू सेव एंड इन्वेस्ट, कि आपके पास जो जमीन है उसका आधा जमीन बेच के और आधा में आप अपना व्यवसाय को तैयार कर सकते हैं, इतना उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है, ताकि आपके बचत और विनियोग करने की योग्यता में भी वृद्धि हो गई। बचत और विनियोग करने की योग्यता में वृद्धि हो गई। तो कहता है कि इन सब कारणों से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व खिसक जाएगा ऊपर की ओर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर की ओर खिसक जाएगा। इसको हम चित्र पर बोर्ड पर देखेंगे, अभी इस बात को केवल कंसेप्ट में लिखिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर की ओर खिसक जाएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर से। और दूसरा लिखिए वितरण पर प्रभाव। वितरण पर प्रभाव का मतलब हुआ कि सब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा, जितना अधिक पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी तो आय का पुनर्वितरण होगा। क्यों पुनर्वितरण होगा? कि सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर से फ्री स्कूल कर दिया, तो जितने भी गरीब मध्यम परिवार के लोग हैं जो कि स्कूल में पढ़ा नहीं सकते थे पहले, वो पढ़ाने लगेंगे। और स्कूल में जो फ्री पढ़ाई होता है वो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से आपके वास्तविक आय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है।
कि बिना खर्च के हुए आपको सेवा मिल रहा है। स्वास्थ्य फ्री, सरकार के खर्च से आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, सरकार के से आपका फ्री जो है ऐसे यहाँ से सरकार के द्वारा जो है खर्च करने से वास्तविक आय गरीबों का बढ़ता है, क्योंकि मनी ट्रांसफर होता है कहाँ से, रिच से होता है गवर्नमेंट के फंड में। रिच से टैक्स का पैसा किसके पास जाता है, सरकार के ट्रेजरी में, और सरकार के ट्रेजरी से पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा लोअर इनकम ग्रुप, मध्यम इनकम ग्रुप, इन सभी के सेवाओं में वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी सेवा जो है वो फ्री शिक्षा का है। भारतवर्ष में और स्पेशली बिहार राज्य में लड़कियों की शिक्षा 0 क्लास से लेके, मैंने नर्सरी से लेके MSc, MCom, MA, पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पहले 3-4 गो लड़की घर में हो गई, तब बाप बैठ के शराब पी रहा है। मुझे क्या पी रहे, तुम शराब इसलिए पी रहे हैं कि बहुत चिंतित हैं कि 3-3 गो लड़की हो गई है, अब फिर चौथा भी होने वाला है, कहीं वो भी लड़की हो गई तो अब मेरा क्या होगा। भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो पढ़ाना पड़ेगा ना, उतना पैसा हमको कहाँ से पढ़ा सकेंगे। अब धारणा बदल गया, वो फ्री पढ़ेगी और कमा के लाएगी तो आपका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो सोच बदल गया। पहले क्या था कि हॉस्पिटल नहीं था, सरकारी बड़ा बड़ा अस्पताल नहीं था, तो लोग मर जाता था। अब है कि कुछ भी हुआ तो वहाँ ले जाइए, 10-5 रुपया रजिस्ट्रेशन का होता है, उसका सारा खर्च सरकार बियर करते, अच्छे अच्छे डॉक्टर वहाँ ऑपरेशन करते। व्यवस्था अगर सही हो तो पूरे देश के लिए लाभकारी है, क्योंकि वो सार्वजनिक उपक्रम है। वहाँ उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण। निजी क्षेत्र में लाभ अधिकतम करने के मोटिव से अस्पताल भी चलता है, स्कूल भी चलता है, तो बड़ा विरोधाभास। अस्पताल है उसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। स्कूल है उसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो वहाँ जाके देखिए क्या है, सारा चीज दूसरे तरह का है। और निजी स्कूल को छोड़ के सार्वजनिक स्कूल में आइए तो टीचर है, उसको सैलरी है, सब कुछ है, लेकिन फीस नहीं है। तो इसलिए कहता है कि सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से सरकार जब खर्च करती है तो इससे हमारे देश में वास्तविक आय में वृद्धि होती है काफी लोगों का। 133 करोड़ हमारे यहाँ आदमी है, तो 50 करोड़ आदमी ये फ्री सर्विस जो सरकार दे रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तो उससे लाभ हो रहा है। सब्सिडी दे रही है, गांव में चले जाइए बिजली लग गया है और कहता है 200 रुपया लगेगा जितना जलाओ। सोचता है कि गरीब आदमी कितना जलाएगा, लेकिन आदमी गरीब है, दिमाग से गरीब नहीं ना है। पूरा आराम से 3 गो चूल्हा रखे हुआ, सब बिजली का है। एक पर अंडा बना रहा है, एक पर दाल चावल बना रहा है, एक पर खीर बना रहा है, बिजली पर खाना बन रहा है, और कहता है कि गरीब है, बिजली फ्री। तो फ्री राइडर तो दूसरा होता है ना, फ्री राइडर का मतलब फ्री है तो कोच कोच के खा लें। हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोई मर जाता है तो भोज करना है, भोज किया तो उसमें खास पंडित को बोला के खिलाना पड़ता है, वो खाएगा तब हम लोग जो मरा है उसको आत्मा की शांति होगी। तो तीन भाई, तीनों पंडित है, तीनों को बुलाया गया, तीनों खाया। और उसके बाद जब घर लौट करके गया, सबसे छोटा वाला पहुंच गया घर हिलते डुलते, तो उसकी भाभी कही कि कितना खा लिए आप जो एकदम चला नहीं जा रहा है। तो कहा कि भाभी हम तो चल के आ गए हैं, देखिए मझला भैया खाट पर आ रहे हैं। मझला भैया को वहाँ 4 आदमी जो है खटिया पर सुता कर हिलाते हुए ला रहा है, क्योंकि चल नहीं सकता इतना खा लिया। जैसे पहुंचा तो बड़ी वाली भाभी जो डांटी,
ये शर्म नहीं आता? अरे खाना था तो ठीक से खाते, इतना क्यों खा लिए आप? तो बोला अरे हम तो जो खाए घाट पर आ भी गए, बड़का भैया तो घाट चलेगा। तो फ्री राइडर में जो है बड़का भैया साफ हो गए, चल गए ऊपर और वाकारी मच गया। तो कहता है कि फ्री राइडर कर देने से ये बड़ा भारी प्रॉब्लम हो गया हुआ है, ये कितना खाएं कितना लें इसका कोई सीमा नहीं। लेकिन एक्सचेंज सिस्टम में जब आपको पेमेंट करना होगा, और बहुत जगह देखिएगा कि टोकन लेना पड़ता है, जाइएगा डोसा का टोकन लीजिए, और टोकन लेके वहाँ जाइए तो डोसा वाला टोकन को पहचानता है कि ये टोकन जो है डोसा का है और ये टोकन सिंघाड़ा का है। तो वो सिंघाड़ा वाला ले क्या कहा कि ए डोसा चाहिए, गए उधर जाओ, ये डोसा का नहीं है। डोसा का सिंघाड़ा का एक लाल था एक वो नीला था, तो नीला वाला था डोसा का कॉस्टली था, और सिंघाड़ा वाला एक सिंघाड़ा का वो लाल रंग का है। तो देखिए वहाँ भी फ्री राइडर के दिमाग घुसा हुआ है, ये उसको देखे वो ले लेगा। कहता है कि फ्री राइडर जो है ये सबसे बड़ा बाधक तत्व तो है सार्वजनिक व्यय से जो सेवा प्रदान होता है उसका सही वितरण होने में। मार्केट फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है कि काम सिस्टमेटिक ढंग से होने नहीं देगा। फ्री राइडर जो है वो इतना ज़्यादा आपको तबाह करेगा कि ट्रेन है 75 वो सीट है तो उसमें 150 आदमी बैठा हुआ है, ट्रेनों चल रही है धीरे धीरे करके कि भाई कितना चढ़ गया ऊपर, उसका भी तो कैपेसिटी है। जब 75 को सीट है तो 150 आदमी उसमें हर कमरा में, अब किसी में प्राइवेट वाला में तो चले जाइए, घुस जाइएगा तो निकल नहीं सकता, आपका स्टेशन पार कर जाएगा, 3 स्टेशन के बाद आपको उसमें से निकल पाइएगा। ये सब हम अपने जीवन में भी भोगे हुए हैं। प्राइवेट वो जो जनरल बोगी में चढ़ा दिया हमको, बाद में गए तो एकदम सांस फूल रहा है, बाथरूम जाना है, कहा कि संभव ही नहीं है, यही कर देंगे यहाँ कैसे कर रहे हैं। तो वो समझाया कि रात का समय है, खिड़की में है कर, अब खड़ा हो गया लेकिन हो ही नहीं, क्या कि साइकोलॉजिकल ऐसा ही खिड़की कैसे करें। और जब होने लगा तो नीचे से गाली देने लगे, कौन है रे, अचानक नीचे से गुजरा। तो कहता है कि क्या स्थिति है, दयनीय स्थिति है, वो आदमी नहीं जानवर से बदतर स्थिति में है जो ट्रेन के उस सामान्य डब्बा में चढ़ा रहता है। वैसा स्टेमिना वाला आदमी ही है, वो सह जाता है, सह गया तो कहा हम फिट हैं, अब इसी से आएंगे जाएंगे, चाहे होली हो दशहरा हो, माँ का चरण का स्पर्श करिए लेंगे। तो सार्वजनिक व्यय के सफलता विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? फ्री राइडर्स। कि फ्री राइडर्स की कोई सीमा नहीं है। अब बहुत आदमी को देखिएगा कि लोकल है, तैयार व्यार हुआ और कौन ऐसे ऐसे पुष्प के जो सेंट लगाता है जिससे सब आदमी खुश रहता है, वो लगाया उगाया, आज ट्रेन पर चढ़ गया फ्री ट्रेन पर, पटना स्टेशन उतर गया, क्या किया आके महावीर मंदिर में प्रणाम किया, फिर इधर घूमा और फिर चढ़ा ट्रेन पर घर आ गया, ये फ्री राइडर। अरे तुमको जरूरत ऐसा हो गया तो फ्री चढ़ के जाओ, ये रोज हमको चढ़ के जाना ही है। खामोखा क्राउड क्रिएट कर देता है सार्वजनिक सवारी पर, सही टिकट नहीं लेगा। तो ये सब सर्टेन जो थिंग्स है जो सार्वजनिक व्यय होने के बावजूद भी उतनी उपयोगिता नहीं मिल पा रही। तो कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इससे कुछ भी हो लेकिन वास्तविक आय में, गरीब लोगों के वास्तविक आय में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है, और आय की विषमता में थोड़ी कमी आती है। लास्ट है इसका प्रभाव, जिसको कहते हैं बेरोजगारी और गरीबी पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय के द्वारा बेरोजगारी और गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार किया जाता है, डायरेक्ट। आज भी हमारे यहाँ महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि 100 दिन है ना, कितना दिन है, 100 दिन, परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन काम मिलेगा, और काम करने के बाद तुरंत जो है लोएस्ट पॉइंट दाग लगा दो, इससे पास कराओ तब बनेगा।
कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा, दोनों के बना एक मिनट। तो इस तरीके से हम लोग क्या पाते हैं कि सार्वजनिक व्यय का रोजगार और बेरोजगारी और गरीब पर प्रत्यक्ष प्रहार होता है। कहा जाता है कि बेरोजगारी और गरीबी ये दोनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माना जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या अर्थ हुआ इसका कि एक को हटाइएगा तो दूसरा अपने हट जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। रिमूव पॉवर्टी और रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। इफ यू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इज रिड्यूस्ड। इफ यू रिमूव पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट विल बी रिमूव्ड। बेरोजगारी को दूर कीजिएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। अगर गरीबी को ही दूर कीजिएगा तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, वो सेल्फ रोजगार करने लगेगा। तो इसलिए सरकारी व्यय से बेरोजगारी को दूर किया जा रहा है, सरकारी व्यय से आय के वितरण की विषमता को दूर की जा रही है। और इस प्रकार हम पाते हैं कि हर हालत में सार्वजनिक व्यय का वितरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, रोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, गरीबी निवारण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम के अंतर्गत देखेंगे, जो आपको कहा जाएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर कॉजेज एंड इफेक्ट कंटिन्यूड, उसमें आप देखेंगे। थैंक यू।